आज मैं आपको पर्सपेक्टिव व्यू बताने जा रहा हूं। पर्सपेक्टिव व्यू, ज्योमेट्री का पर्सपेक्टिव व्यू होता है, उसको हम कैसे बनाते हैं। तो आज मैं आपको एक उसमें आयताकार संपार्श्व पे बताता हूं। तो इसका प्रश्न इस तरह बनेगा कि एक आयताकार संपार्श्व जो 3×4×3 अपने 3×4 सेंटीमीटर आधार पर धरती तल पर इस प्रकार रखा हुआ है कि इसका 3×3 सेंटीमीटर का पार्श्व चित्र तल से स्पर्श करता है। इसका 4×3 सेंटीमीटर का पार्श्व दृष्टि के 3 सेंटीमीटर बाईं और 3 सेंटीमीटर दाईं ओर है। पार्श्व का समपार्श्व का संदर्श चित्र खींचिए। चित्र तल से दूरी 100 सेंटीमीटर और धरती तल से नेत्र की दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो ये हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लेना है 100 सेंटीमीटर, मींस आपको इसके लिए फुट्टा यूज करना पड़ेगा 1.10 सेंटीमीटर। तो ये हम फुट्टा इसमें यूज करेंगे 1.10 सेंटीमीटर। तो ये हमने लेना है 100 सेंटीमीटर। तो हम यहां से, जैसे ये हमारा फुट्टा है, आईडीएस, हम यहां पे जो है ये निशान एक लगा देते हैं यहां पे, ये लाइन जैसे हमने यहां पे लगा दी है इस तरह से। यहां से ऊपर हमने 100 सेंटीमीटर लेना है सबसे पहले। तो ये आप देख सकते हैं यहां पे ये हमारा 100 सेंटीमीटर है और यहां मैं निशान लगा रहा हूं और ये कह रहा है कि धरती तल से ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। ये हमने यहां पे 50 सेंटीमीटर में निशान लगा दिया और इस साइड भी हम इसी तरह से, ये हमारा 100 सेंटीमीटर है। तो ये हमने ऊपर 100 सेंटीमीटर पे और फिर 50 सेंटीमीटर पे निशान लगा दिया और अब हम इन लाइनों को आपस में मिला देते हैं इस तरह से। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। अब ये हमारी है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी ग्राउंड लाइन है और ये हमारी डायरेक्टिंग लाइन है। इसके बीच में इसका हमने सेंटर निकालना है अभी। तो जैसे ये मेरी शीट लगभग 29 सेंटीमीटर की है तो 14.5 के करीब करीब मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ सेंटीमीटर पे। और ये जरूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल ही इतना एक्यूरेसी से लेना है, पर लेना हमने सेंटर में होता है ताकि जो हमारी इसमें आकृति बनेगी वो दोनों साइड बिल्कुल बराबर बनेगी। जैसे ये मैंने ले लिया, यहां हम लिखेंगे सी बी मीन्स सेंटर व्यू और यहां हम लिखेंगे आई, ये होती है दृष्टि, दृष्टि रेखा से यहां से है। अब हमने जो यहां पे आकृति बनानी है, ये कह रहा है कि 3×4×3 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमने यहां से, ये देखिए आप यहां पे, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहां से हमने काटना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद है गुणा 4, तो यहां से हमने ब्रेथ मीन्स ये इसकी लेंथ है और यहां से हमने ब्रेथ लेनी है 4। ये मैंने पहले 4 काट दिया था, ये हमने लेना है 3 पहले यहां से, ये हम लेंगे यहां से, या हम लेंगे यहां से 3 सेंटीमीटर और उसके बाद 3×4, तो यहां से हमने 4 पीछे को लेना है यहां पे। ये आप देख सकते हैं यहां से परे को हमने लिया 3 पहले, ठीक है। उसके बाद हमने यहां से पीछे को लिया 4 सेंटीमीटर, ये हमारा एक पॉइंट आ गया। जैसे हम इसका नाम हम दे देते हैं यहां पे ए, इसका नाम हमने दे दिया जेड, मीन्स जो ये आपका ओ है, ये सेंटर हमारा है, सेंटर से ए कितना है 3 सेंटीमीटर और ए से जेड ये हमारा है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने फिर लेना है 3 सेंटीमीटर यहां से, ये हम यहां पे 3 सेंटीमीटर ले लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारा पॉइंट आ गया बी। अब हमने क्या करना है, ए और बी से 90 डिग्री के कोण बनाने हैं ऊपर को सीधे। ये हमारे पास सेट स्क्वायर है, इससे मैं बनाता हूं, इससे हमारा जल्दी हो जाता है काम। ये आप देख सकते हैं यहां से हमने पहले हल्की लाइनें लगानी होती है इस तरह से, आप ये देख सकते हैं ये हमने हल्की लाइनें लगा दी है। अब इनकी हाइट भी हमने लेनी है 3 सेंटीमीटर, तो आप ये देख सकते हैं यहां पे ये मैंने काट दिया 3 सेंटीमीटर। अब मैं इसको डार्क कर देता हूं यहां से और ये भी हमारा है, हाइट इसकी 3 सेंटीमीटर है। तो ये हमने यहां पर इसको काट दिया और अब हम इसको मिला देते हैं यहां से ऊपर इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमारा ए और बी है इसको हमने मिलाना है सी बी के साथ। पहले हम इसको डॉटेड मिलाते हैं यहां से, ये ए को भी हमने
सीबी के साथ डॉटेड मिला देना है। इस तरह से, और बी को भी हमने सीबी के साथ डॉटेड मिला देना है। इस तरह से अब हमने क्या करना है, सेंटर से हमने 100 सेंटीमीटर जो है वो राइट साइड और 100 सेंटीमीटर हमने लेफ्ट साइड काटना है। तो यहां से ये हमने 100 सेंटीमीटर काट दिया राइट साइड और 100 सेंटीमीटर हमने काट दिया लेफ्ट साइड। ये जो हमारा पॉइंट आया इसका नाम हम दे देंगे MP1 और ये है MP2। अब हमने क्या करना है, जो हमारा ये जेड आया था, जेड को हमने डॉटेड मिलाना है MP1 के साथ। इस तरह से ये आप देख सकते हैं, जेड को हम मिला रहे हैं MP1 के साथ, जो कि जेड और ए की जो दूरी है वो है 4 सेंटीमीटर। इस तरह से अब आप देख सकते हैं, ये आपके पास यहां पे एक पॉइंट आ रहा है जो ए और सीबी को आपने मिलाया था और जेड और एमपी को मिला था, ये पॉइंट है, यहां तक हमने डार्क लाइन लगानी है। ये आपके आ गया, एक्चुअल में ये आपका 4 सेंटीमीटर है, जो ये 4 सेंटीमीटर आपने लिया था उसका रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से, पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये आपका है। अब हमने क्या करना है, जैसे आपका ये ए बी है तो यहां आप नाम दे दो सी और डी, ठीक है, ये अपनी मर्जी से हम दे रहे हैं। आपने क्या करना है, सी को भी आपने सीबी के साथ मिला देना है डॉटेड इस तरह से, और डी को भी आपने मिलाना है सीबी के साथ डॉटेड यहां से इस तरह से। अब हमने क्या करना है, आपकी जो ये ए बी ए सी रेखा है इसी के समानांतर आपने रेखा रहनी यहां से, तो इसका नाम हम दे देते ए बी सी डी, इसका नाम हम दे देंगे ई, ये मैं अपनी ओर से दे रहा हूं। तो ए सी के समानांतर हमने रेखा लेनी है ई से, और यहां तक ये जो रेखा हमारी जा रही है ना, यहां तक डार्क आएगी, और अब इस रेखा को भी हम यहां से डार्क कर देंगे इस तरह से। या समझ आ रही बात, अब हमने क्या करना है, पिछली लाइन निकालने के लिए जो हमारी ए बी रेखा है हमने यहां पर फुटा रखना है और हमने रेखा ले जानी है ई तक, ये हमारा ई है, और यहां से हमने डॉटेड लाइन खींचनी है इस तरह से, ये हमने इसके समानांतर रेखा ले ली है। जो हमारा ई सी डी जो रेखा है यहां से हमने, ये जो पॉइंट हमारा ई, ये पॉइंट हमारा आ गया एफ, हमने क्या करना है डी सी से एफ जितनी समानांतर रेखा लगानी है यहां से, ये ठीक है, जितना डी और सी है उसके समानांतर हमने रेखा लगाई एफ से, और ये आ गया हमारा एफ जी, ठीक है जी, अब एफ जी आ गया तो जी और डी को भी हम डार्क मिला लें इस तरह से। अब हमने क्या करना है, जो हमने ए और बी से यहां पे एक रेखा डॉटेड लगाई थी, अब हमने क्या करना है, या तो ए और सी जितने प्रकार पे फुटा रखो और पीछे को समानांतर रेखा लगा लो जी से, ये हमारा जी है, यहां से हमने डॉटेड लाइन लगानी है यहां तक इस तरह से। तो ये जो है इसका पिछला पोर्शन आ गया हमारा, अब यहां से भी लगा सकते हैं आप, और यहां से आप बी और डी से भी समानांतर का जी तक ऐसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक साइड का जो है प्रोपोर्शन बन के तैयार हो गया है। तो अगर हमने इसी को लेफ्ट साइड बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहां से हम लेंगे 3 सेंटीमीटर पहले 3 सेंटीमीटर, और यहां से पीछे को लेंगे 4 सेंटीमीटर इस तरह से, ठीक है। अब ये हम नाम जी तक चले गए थे, यहां हम नाम देते एच, ठीक है, और एच से हमने लेना है 3 सेंटीमीटर आई, ये हमारा आ गया आई, और ये जो हमारा है एच है, ये हम इसका नाम दे देते हैं वाई, और वाई से एच कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, एच और आई से भी हमने 90 डिग्री के कोण बनाना है, यहां से आप देख सकते हैं हल्की लाइन में लगा रहा हूं यहां से भी इस तरह से, और हमने इनको कितनी हाइट पे काटना है 3 सेंटीमीटर पे। तो ये आप देख सकते हैं, इसको हम डार्क भी कर देते हैं थोड़ा सा, इसको भी डार्क कर देंगे इस तरह से, ठीक है। एच आई, अब इसको हम ऊपर मिला लेते हैं पहले 3 को, तो फिर नाम दे देते हैं
इस तरह से आई, यहां नाम देते हैं जे, यहां हम नाम दे देंगे के। अब हमने क्या करना है, एच को हमने मिलाना है सीवी के साथ डॉटेड, इस तरह से आई को भी हमने मिलाना है सीवी के साथ डॉटेड। ये बहुत आसान प्रश्न होता है, इसमें उलझना नहीं बिल्कुल भी आपने, और के को भी हमने मिलाना है सीबी के साथ डॉटेड। जे को भी हमने मिलाना है सीबी के साथ डॉटेड, इस तरह से। अब हमने वाई, ये हमने लिया था, वाई को हमने मिलाना है एमपी टू के साथ डॉटेड, इस तरह से। अब आपके पास यहां जो पॉइंट आ रहा है ये आई जे के, यहां हम नाम दे देते इसका एल, हमने क्या करना है एच एल को डार्क बना देते हैं, यह ठीक है। अब हमने जो ये के और एच रेखा है इसके समानांतर हमने रेखा लेनी है एल से, और ये रेखा हमारी जाएगी यहां तक ऊपर, ये आ गया हमारा एम, ठीक है। अब हमने क्या करना है के और एम को हमने डार्क कर देना यहां से, ये आपको दिख रहा है। अब हमने क्या करना है जे और के जो लाइन है इसके समानांतर हमने लाइन लेनी है एम से, इस तरह से, ये ठीक है। एल एम यहां आ जाएगा हमारा एन। अब हमने क्या करना है जे और एन को डार्क मिला देना है, इस तरह से, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमारा जो आई और एच है ये रेखा है, इसके समानांतर हमने रेखा लेनी है एल से, यहां से हम इसको डॉटेड रेखा लेंगे यहां से, इस तरह से। और अब हमने क्या करना है जो के और एच रेखा है यहां पे, इसके समानांतर हमने रेखा लेनी है एन से, ये आप देख सकते हैं इस तरह से आएगी। तो इस ये अंदर का जो हमारा डॉटेड जो पोर्शन है, पिछला पोर्शन है ये हमारा, वो पोर्शन यहां पे आ गया है, इस तरह से आपने इसको बनाना है आपका, ये इस तरह से अच्छे से बनेगा, सही तरीके से बनेगा ये जो हमारा है, अब बन के